जम्मू कश्मीर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसमें सेना को कामयाबी मिलने की बात कही जा रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि सोपोर में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में दो आतंकियों को ढेर कर दिया है। बलों का ऑपरेशन अभी भी जारी है। बता दें कि जम्मू कश्मीर में आए दिन मुठभेड़ होती रहती है और ऐसा ही बीते दिन भी सोपोर में पुलिस ने दो आतंकियों को ढेर कर दिया। जब इस बारे में पुलिस से पूछा गया तो पुलिस ने बताया कि आज तड़के दूरेस गांव में कुछ आतंकियों ने छिपे होने की सूचना मिली थी, जिसके तुरंत बाद पुलिस हरकत में आई और जिसके बाद सुरक्षा बलों ने वहां जाकर पुलिस बलों ने इलाकों को घेर लिया और इसके बाद गोलाबारी शुरू हुई और दो आतंकियों को मार गिराया। जिन आतंकियों को बलों ने मारा है वो स्थानीय निवासी, हालांकि इनकी अभी पुष्टि करने में जुटी है। पता चला है कि इनमें से एक बीटेक का छात्र मलिक पिछले कई दिनों से गायब था। परिवार वालों ने वीडियो जारी कर उसने लौटने की अपील की थी। वहीं छात्र आतंकी बन गया था। SPN9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।